अगेन दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टाइम हो रहा है 9:42। मैंने टॉप गेनर और टॉप लूजर में से स्टॉक्स ऐड कर लिया दोस्तों। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो चार्ट्स में स्कैन कर रहा था, काफी लोग बोल रहे थे शुरू से, मैं पहले शुरू से वीडियो डालता था दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन वगैरह, बट कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था इसके लिए ट्रेड्स डाल रहा था डायरेक्टली। सो आज थोड़ा सा टाइम बार बता देता हूँ। अभी देखिए भारतीय एयरटेल को मैंने आज सिलेक्ट किया है। भारतीय एयरटेल अगर देखोगे तो टॉप लूजर में भी है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक अर्ली कैंडल्स पे इसको यहाँ से एक सपोर्ट था जो कि कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था, फॉल कर रहा था। यहाँ पे इसको सपोर्ट था, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ये विक्स बने, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट थे 460 के लेवल पे, वो आज ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है, ब्रेक किया है। वॉल्यूम भी काफी अच्छे है अवरली पे, इस पे मेजर टाइम फ्रेम पे हम बेरिश है, ठीक है। आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करने के लिए। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आते हो दोस्तों तो यहाँ पे एक दिखेगा आपको हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। सो अभी ये यहाँ पे कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट चल रहा है, ठीक है, ये जो अपसाइड, जब तक ये तो लेके नहीं जाता है तब तक मैं यहाँ पे 460 के ऊपर अगर नहीं जाता है तो मैं यहाँ पे बेरिश ही रहूंगा। सो हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, और इसका अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है सॉरी, तो हम इसको शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। सो ये प्लान है एज ऑफ नाउ, मैंने तो कुछ ट्रेड नहीं लिया है अभी, मैं अपडेट करता हूँ आपको। दोस्तों टाइम हो रहा है 9:57। सो भारतीय एयरटेल का जैसे दोस्तों देख सकते हो कि हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। सो आई वाज वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक प्यारा सा ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन ये कैंडल पे आया, वॉल्यूम अच्छा सा था, हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया, ठीक है। ये एरो देख सकते हो आप, एंट्री का जस्ट एक कैंडल पे एंट्री हुई है, 55 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 83.50 पे 500 1:1 रिस्ट रिवॉर्ड रखा है मैंने फिलहाल। ये जो इसने टॉप बनाया था इसके नियर बाय मैंने एसएल रखा है, इसको अगर टेस्ट करते तो इजीली ऊपर जा सकता है क्योंकि इसके नीचे इसको सस्टेन करना चाहिए। करंटली अच्छा सा फॉल हो रहा है, 160 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं हम अपने टारगेट के लिए, टारगेट मैंने 448 के नियर बाय लगाया। देखो दोस्तों ये आवरली पे क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ से जो बाइंग आ रही थी आपको अगर दिखेगा, ये जो विक्स बन रहे थे यहाँ पे दिख रहा था कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं बायर स्ट्रांग है यहाँ पे, एक्टिवेट है जब भी ये लेवल के अराउंड आता था। आज वो लेवल ब्रेक किया है, सस्टेन कर रहा है उसके नीचे काफी देर से, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं। वॉल्यूम भी देख सकते हो काफी अच्छे, तो सेल साइड के लिए हम गए इसमें, ठीक है। एंट्री प्राइस तुम्हारा क्या है, मैं रैंडमली एंट्री लिया था अभी, जस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे एंट्री हुआ है हमारा, थोड़ा सा लेट एंट्री करते करते लेट हुआ, मुझे थोड़ा सा एक ही एंट्री करना था, बट चलता है उतना 50-60 पैसे का, ठीक है ना। अभी करंटली 200 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, कंटिन्यूसली फॉल करते जा रहा है, लेट्स वेट। दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे भी ये कॉल अपडेट किया, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैक्स नॉलेज अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। 3000 के अराउंड हमें रेजिस्टेंस है अभी मेंबर्स के लिए, तो आप कंप्लीट कर सकते हो विथ वॉल्यूम। यहाँ पे मैं डालते रहता हूँ चार्ट्स एंड बुक्स वगैरह जो भी है, कुछ मोटिवेशनल कोर्स वगैरह, सो आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री चैनल है, ठीक है। करंटली 250 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, ये काफी अच्छा सा फॉल दिखा रहा है यहाँ से, तो हम वेट करते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ स्टॉप लॉस या टारगेट अगर हिट होता है तो। हम अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं बट वेट करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगेन वेलकम बैक, टाइम हो रहा है 10:14। आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल को जस्ट हमारा ऑर्डर ट्रिगर किया है, सो यहाँ पे एरोज देख सकते हो, हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है अभी, यहाँ पे फायर्स में एरोज दिखते हैं, यहाँ पे अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है एग्जिट का एरो है, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये एंट्री का एरो है। काफी सिंपल ट्रेड दोस्तों, काफी जल्दी खत्म हुआ, हमने बुक किया है 500 के अराउंड, दिखा देता हूँ मैं पोजिशन आपको, ये देख सकते हो, और ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ। 452.5 पे हमने सेल किया था, 448 के अराउंड हमने बुक किया। सो मैंने ये टेलीग्राम पे भी डाला था, काफी अच्छा फॉल कर सकता है उसके बाद भी, बट हमने टारगेट बुक कर लिया 1% का जो रहता है हमारा। सो यस दोस्तों, रीजन काफी सिंपल है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपको। 1 आवर के इस पे अगर देखो तो इसने मेन जो लेवल है यहाँ पे 460 के अराउंड जो काफी दिनों से होल्ड कर रहा था वो उसको ब्रेक किया था, आज वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा है। अवरली पे भी देख सकते हो एक ये राउंडिंग पैटर्न बनते हुए दिख रहा था, यहाँ से 460 के अराउंड जो सपोर्ट था उसने आज ब्रेक किया था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आते हो आप तो यहाँ से कंटिन्यूसली आपको दिखेगा, मैंने ये अभी भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसको निकाल देते हैं हम, ठीक है, इसको निकाल दिया मैंने। अगर अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हो दोस्तों तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद ये हाई लगा, ये लो लगा, वापस से हाई, वापस से ये लो, वापस से लोअर हाई लोअर लो, ये कंटिन्यूअसली इसका डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। तो छोटा मोटा यहाँ से रिट्रेसमेंट आया था, रिट्रेसमेंट के बाद मैंने ब्रेकडाउन के लिए वेट किया, ब्रेकडाउन यहाँ पे आया, ठीक, ब्रेकडाउन आने के बाद हमारा ये कैंडल के ऊपर एंट्री हो गया।
स्टॉप लॉस मैंने ये लेवल के अराउंड लगाया था, टारगेट मैंने ये 1:1 रखने के लिए ये लेवल के अराउंड लगाया था, 448 समथिंग लाइक दैट। सो यस, काफी सिंपल ट्रेड था, काफी जल्दी खत्म हुआ। 953 को हमने ट्रेड लिया था, 1012 को हमारा ट्रेड खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 50 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आपको लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।